वेलकम बैक कोडर्स, मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट की 37th वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कोई स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उस फंक्शन को डेकोरेट करने वाले हैं डेकोरेटर्स का यूज करके। काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का, और जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करोगे तब काफी ज्यादा आपके यूज आएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फंक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं डेकोरेटर्स का यूज करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने हमारे पाईचार्म को ओपन कर लिया है, और पाईचार्म में एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। मैं सिंपली एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा हेलो ग्रीट, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, ग्रीट करेगा यूजर को। और यहाँ पर ग्रीट करके अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, लिखा ग्रीट और प्रिंट कर दिया इसने हेलो यूजर, हेलो मोहित लिख दिया जैसे कि इसने। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो ये फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये हो गया हमारा सिंपल बेसिक सा फंक्शन। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक बड़ा फंक्शन क्रिएट करा जिसमें नंबर ऑफ लाइन्स कोड है, नंबर ऑफ लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जैसे वो फंक्शन स्टार्ट हो तो एक स्पेसिफिक चीज है उस फंक्शन से बुलवानी है, जैसे हेलो यूजर बुलवाना है, और जैसे वो फंक्शन एंड हो तो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस फंक्शन ऐसा आना चाहिए। आप एज्यूम कीजिए आप एटीएम मशीन में गए हो, तो सिंपली एटीएम मशीन स्टार्ट होने से पहले आपको लिखा हुआ आता है स्वागत आपका इस एटीएम मशीन में, और जैसे आप ट्रांजेक्शन खत्म करते हो तो सिंपली वहां पर आपका लिखा हुआ आता है थैंक यू फॉर दिस सर्विस। हम आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और भी काफी सारे बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप से काफी सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। उसमें हम लोग इन डेकोरेटर्स का यूज करके बताऊंगा मैं किस तरह से इन डेकोरेटर्स को आपको यूज करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं डेकोरेटर्स क्या होता है और किस तरीके से डेकोरेटर काम करते हैं। डेकोरेटर्स को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसको स्मार्ट फंक्शन कह सकते हैं, कुछ भी फंक्शन का आप नाम दे सकते हो। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन इनपुट में भी एक फंक्शन लेगा खुद के पैरामीटर में, और रिटर्न भी कराएगा एक फंक्शन को। लेट से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करूंगा एम के वी नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, लिख देता हूँ MFX लिख देता हूँ। और सिंपली मैं इस फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट दूंगा, एक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट दूंगा, और मैं इधर जो भी मेरे को फंक्शन यानी कि क्या टास्क परफॉर्म कराना है, कोई भी फंक्शन स्टार्ट होने से पहले उसकी ग्रीट कैसे करानी है, उसकी एंडिंग कैसे करानी है, तो मैं लिखूंगा हेलो लिख के हेलो आई एम स्टार्टिंग दिस फंक्शन, यानी मैं जो भी हमारा फंक्शन है वो स्टार्ट करूंगा, और सिंपली हमारा फंक्शन को यहाँ पर यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो हमको फंक्शन एंड होने के बाद टाइम क्या बोलना है, तो यहाँ पर लिखूंगा थैंक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन, तो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। तो अभी मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को एक इसके अंदर ही एक और इनर फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक और इसके अंदर ही एक और इनर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूंगा IFX लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा IFX, और यहाँ पर जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर लिख दूंगा। मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, और सिंपली ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा। लिखूंगा IFX फंक्शन एक इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा। और इसको अब यूज कैसे करना है, मैं सिंपली जो मैंने ग्रीट ऊपर फंक्शन क्रिएट करा था उसको मैं नीचे लिख दूंगा, और सिंपली डेकोरेटर्स का यूज कर लूंगा। यहाँ पर लिखूंगा @MFX। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे पहले अगर मैं इस ग्रीट प्रोग्राम को रन करा था, मैंने देखिए कुछ भी नहीं करा, मैंने एक सिंपल सा एक ऊपर की तरफ एक स्मार्ट फंक्शन क्रिएट कर दिया, डेकोरेटर क्रिएट कर दिया। और जहां पे भी उस डेकोरेटर को यूज करना है, वहां पे जैसे मैं को इस ग्रीट ना फंक्शन के नाम के ऊपर डेकोरेटर का यूज करना है, तो सिंपली आपको @ का साइन लगाना है, और जो भी उस फंक्शन का नाम है, MFX हो सकता है, स्मार्ट डिव बना सकते हो, कुछ भी उस फंक्शन का नाम बना सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेम। तो यहाँ पर हमने वो फंक्शन को क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर हमने डेकोरेटर्स का यूज करा। अब जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो सिंपली क्या होगा, जब भी इसको कोई दूसरा फंक्शन कॉल करेगा तो सबसे पहले ये फंक्शन जाएगा इस फंक्शन के पास में एज अ पैरामीटर लेगा इस फंक्शन को, और ये एक नया फंक्शन यहाँ पे एक एग्जीक्यूट कर देगा। देखो रिटर्न में क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है। तो सिंपली क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा, फिर जो भी हमने फंक्शन को पैरामीटर में पास किया था वो आर्ग्यूमेंट में पास किया था
तो वो सिंपली फंक्शन रन होगा, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। नेक्स्ट से मेरे को दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार इसको डेकोरेटर्स का यूज कर सकते हो। लेट्स से मेरे को एक एडिशन नाम का फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा एम एफ एक्स, डेफ करूंगा सम, और सम में हमारे दो पैरामीटर होंगे ए और बी, और सिंपली रिटर्न प्रिंट करा दो डायरेक्टली आप हमें, प्रिंट कर दो ए प्लस बी को। अब आप देखिए कि अगर मैं इस सम नाम के फंक्शन को कॉल करके दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ 5, 6, इसको मैं रन करूं, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने हमारा ग्रीट नाम, हमारा सम नाम का तो यहाँ पर फंक्शन रन ही नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे ग्रीट तो रन हो गया, देखिए आप यहाँ पर हमारा ग्रीट आ गया है, लेकिन जब हमने सम का यूज करा, डेकोरेटर्स का यूज करके अगर हम सम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी हम तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं सम के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा। तो इसके लिए करेंगे, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो से बताया था कि आपको अगर आर्ग्यूमेंट नहीं पता कि कितना आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो उस जगह आप यूज कर सकते हो स्टार आर्क्स और क्वार्क्स का, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एकदम शुरू से देख रखी है तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होगा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, हमारी आर्क्स और क्वार्क्स वाली वीडियो को। तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा आर्क्स कॉमा क्वार्क्स, इधर लिखूंगा आर्क्स कॉमा क्वार्क्स, और सिंपली जो ये आर्क्स कॉमा क्वार्क्स मैंने यहाँ पर पास करा है उसको मैं यहाँ पर भी रख दूंगा। सिंपल इसको इस तरीके से करना है, और अभी मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आउटपुट आ गया। सबसे पहले हर जब भी कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, और जिस फंक्शन में मैंने डेकोरेटर्स लगाया ग्रीट नाम के फंक्शन और सम नाम के फंक्शन में, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आया हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और फंक्शन का एंडिंग पॉइंट, इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और हमारा फंक्शन का एंडिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल यूज किस तरीके से हो सकता है। आपने देख लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो बता दिया कि किस तरीके से यूज करना, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस पूरी चीज को अभी कर दूंगा कमेंट आउट, इसको पूरा कमेंट आउट कर दूंगा, और लेट से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ डिव, और वो क्या करेगा सिंपल एक डिविजन को परफॉर्म किएगा, दो आर्गूमेंट लेगा ए कॉमा बी, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कर दो ए डिविजन ऑफ बी को, और मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा डिव नाउ के फंक्शन को, और यहाँ पर मैं सिंपल सा करूंगा 3,6 करा दूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आंसर आ रहा है 0.5। लेकिन देखिए आपको कभी भी डिवीजन परफॉर्म करना है तो हमेशा डिवीजन होता है बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे, ताकि हमारा जो डिवीजन का आंसर है वो हमेशा एक इंटीजर या फिर एक होल नंबर में आवे। तो इसलिए हमारा वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा नंबर फ्लोट में आ गया है, इसने 3 डिवीजन ऑफ 6 कर दिया, हमको यूज करना था, हम चाहते थे कि इसका आंसर 3, 6,6, हम इसका आंसर रेज्यूम कर रहे थे 6 डिवीजन ऑफ 3। इस चीज के लिए भी आप यूज कर सकते हो आपके डेकोरेटर्स का, यानी जब भी कोई डिवीजन फंक्शन यूज हुए तो उसके लिए आप डिवीजन वाला डेकोरेटर यूज कर दो, एक स्मार्ट डिवीजन डेकोरेटर क्रिएट करो, और जब भी कोई डिवीजन वाला फंक्शन रन हो तो सिंपली क्या करना है, जब भी कोई डिवीजन वाला फंक्शन रन हो तो सिंपली दो वैल्यूज लेनी है, दो वैल्यूज को चेक करना है और सिंपली वैल्यूज को स्वैप करना है, यानी अगर हमारी आगे वाली वैल्यू छोटी है और पीछे वाली वैल्यू बड़ी है तो सिंपली स्वैप कर दो और रिटर्न कर दो इस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं हमारे डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए स्मार्ट डिवीजन वाला डेकोरेटर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्मार्ट डिवीजन, हमारा स्मार्ट डिवीजन एक डेकोरेटर हो गया जो एक फंक्शन लेगा। तो यहाँ पर मुझे एक इनर फंक्शन को क्रिएट करना है, लेट्स से मैं आई एफ एक्स नाम का इनर फंक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ जिसके अंदर दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, और सिंपली एक इफ कंडीशन का यूज करके मेरे को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ ए इज स्मॉलर देन बी, तो सिंपली ए की वैल्यू बी के साथ स्वैप कर दो, बी कॉमा ए कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हमारी कंडीशन लग चुकी है। अब सिंपली हमें हमारे फंक्शन को यहाँ पर यूज करना है, हमारा जो भी फंक्शन हमने पास करा है, और सिर्फ ए और बी की वैल्यू को पास करी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो भी हमने टास्क था वो परफॉर्म कर दिया, और रिटर्न भी मेरे को करना है हमारा इनर फंक्शन को, इनर फंक्शन यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अभी भी हमारा आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि मैंने डेकोरेटर्स का यूज नहीं करा, मेरे को इस फंक्शन से पहले डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा, हमारे डेकोरेटर का नाम है स्मार्ट डिव, स्मार्ट डिव डेकोरेटर का यूज करूंगा। अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो आंसर आ रहा था 0.5, उसका आंसर अब हमारा आ चुका है 2.0। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल भी डेकोरेटर का यूज कर सकते हो, कोई कंडीशन चेक करनी है कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन की, या फिर वो फंक्शन बार बार चेक करना है, जैसे डिवीजन की बात कर रहे हैं तो होल नंबर आपका डिवीजन में आना चाहिए, यूजर अगर छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में एंटर करे तो उसको
स्वैप करने वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग काफी ज्यादा डेकोरेटर्स का यूज करेंगे, और काफी ज्यादा यूज होता भी है आजकल डेकोरेटर्स का। तो ये थे हमारे पाइथन के डेकोरेटर्स। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो का जितना भी सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, और आप हमारे गिटहब पे जाकर भी हमारे इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी इस पाइथन ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन प्लेलिस्ट की इस ट्यूटोरियल को चेकआउट करके इसको सेव कर लीजिए, और यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का फायदा उठा सके। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स भी पाइथन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो वाली वीडियो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो। और अगर आपने हमारी जेक्वेरी वाले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट जेक्वेरी को एक प्लेलिस्ट में कवर किया है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।